बगैर रॉयल्टी एवं रेत का अवैध परिवहन करने वाली रेत माफियाओं के खिलाफ एसडीएम संतोष तिवारी द्वारा कार्यवाही करने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को ऐसे ही बगैर रॉयल्टी रेत का अवैध रूप से परिवहन कर रहे दो डंपरों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें नेमावर पुलिस थाने पर नेवार पुलिस की अभिरक्षा में खड़े किए गए हैं। वहीं एसडीएम तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा लगातार भ्रमण कर इस प्रकार की जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं अवैध रूप से रेत का उत्खनन परिवहन तो नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं अमूमन नर्मदा के तटीय क्षेत्र के घाट से दम्परों एवं ट्रैक्टरों से बिना रॉयल्टी बालू रेत का धड़ल्ले से परिवहन किया जा रहा है। एसडीएम तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिकायत प्राप्त हुई थी कि नेमावर में रेत की खदान है, उस पर छापा डाला है। वहां शिकायत ये भी है कि वहां लीज 1 हेक्टेयर की है, उससे ज्यादा क्षेत्र में खुदाई की जा रही है, उसका टीम बनाकर सीमांकन कराएंगे। वहीं दो डंपर पकड़ कर नेमावर थाने खड़े किए गए हैं। मूनलाइट कंपनी पर 3 लाख रुपए डायवर्सन के भी बकाया है, उसको भी वसूल करने की कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं दोनों डंपर बगैर रॉयल्टी रेत का परिवहन कर रहे थे। न्यूज इंडिया N9 कैमरामैन देवेंद्र सिंह तोमर के साथ मध्य प्रदेश हेड रजाक खान की रिपोर्ट। आज शिकायत प्राप्त हुई थी तो नेमावर में जो रेत की खदान है उस पर छापा डाला था। वहाँ शिकायत ये भी है कि उसकी लीज 1 हेक्टेयर की, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र में तो उसने खुदाई की है, तो उसका टीम बना के सीमांकन कराएंगे तो इससे भी क्लियर होगी। वहाँ से 2 डंपर पकड़ के नेमावर थाने में रखे गए हैं और ये मूनलाइट कंपनी पर करीब 3 लाख रुपए डायवर्सन का भी बकाया है, उसको भी वसूल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये इनके पास रॉयल्टी थी कि बगैर रॉयल्टी थे डंपर पकड़े? नहीं, इन दोनों में से रॉयल्टी इस पर भी नहीं थी।